तो आप सबका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा चर्चा में। तो इसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने लिखा है। तो हर रविवार की तरह आज भी हम लीलामृत से पढ़ेंगे। तो आपने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अकेले दिल्ली में पूरा प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, और अपना जो मैगजीन है बैक टू गॉडहेड उसको प्रकाशित करने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, अनुदान की याचना करते हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस कलयुग के इस वातावरण में मैं लोगों तक पहुंचूं और चैतन्य महाप्रभु का संदेश उनको प्रदान करूं। और ऐसे अपने पिछले रविवार को ये भी सुना था कि दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, उसका जो एक जज था, उन्होंने कहा था, अपना मनोगत व्यक्त किया था कि मैं श्रील प्रभुपाद के दो गुणों से बहुत ज़्यादा आकर्षित था। एक था श्रील प्रभुपाद की विनम्रता और दूसरा था भगवान नाम के प्रति जो स्वामी जी की निष्ठा थी, उस दिन दो चीज़ों के प्रति मैं बहुत आकर्षित था। वो कहते थे कि ये साधारण छोटे से ऊंचाई के ये व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी उनकी गहन जो अनुराग है कृष्ण के नाम के प्रति था, और इतने शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी जब वो वार्तालाप करते थे तो बहुत अधिक जो विनम्रता का भाव है, हाँ, वो झलकता था। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, कि किसी के पास ज्ञान आदि है, हाँ, उसका लक्षण यही है कि उस व्यक्ति के अंदर विनयशीलता का भाव आना चाहिए। जो भी हमारे पास योग्यता आती है उन सारी योग्यताओं का ये उद्देश्य होना चाहिए, उसके पीछे विनम्रता का भावना। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद के निजी जीवन में, उनके पूरे चरित्र में आप देखेंगे ये जो विनयशीलता है वो सर्वाधिक झलकती है। चाहे श्रील प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन आंदोलन की स्थापना की, जग भर में 10,000 से अधिक शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दिया, 108 मंदिर बनाए, 100 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद या लेखन किया, उसके पश्चात भी वो कहते हैं कि हे कृष्णा, मैंने आपके लिए कुछ सेवा नहीं की है। और कोई उनकी प्रशंसा करता था कि आपने तो इतना कर दिया, कृष्ण नाम को जनमानस तक, गांव-गांव तक पहुंचा दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज के द्वारा ये संपन्न हुआ है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वो प्रमुख आचार्य हैं जिनके चरित्र में ये जो विनम्रता का भाव है झलकता है। और इसलिए वैष्णव की ये जो सर्वप्रथम वैष्णव का ये गुण है विनयशीलता, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उस समय दिल्ली में निवास कर रहे थे और उनकी आयु 60 साल की थी जब प्रभुपाद जी पूरा प्रयास कर रहे थे दिल्ली के अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करने का। तो आगे वो लिखते हैं, अभय ने ऐसी अवस्थाओं के विषय में बैक टू गॉडहेड में चिंता व्यक्त की, क्या गरीब लोग कारखानों में पैदा किए जाने वाले कल पुर्जों को खाकर गुजर कर सकते हैं, क्या उनका पोषण सिनेमा टेलीविजन से या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता है। नेता लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से वही बुराइयां पैदा हो रही है जिन्हें सरकारी तौर पर वे घृणास्पद बताते थे, अर्थात पतनोन्मुख विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता का अभाव भी। तो जितने भी समाज में ये सारे दुर्गुणों का चर्चा किया है या जितने भी सारी समस्याओं की चर्चा
नेतागण करते हैं, उसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद उन सबका वर्णन अपनी जो मैगजीन है गॉडहेड पत्रिका में कर चुके थे। बल्कि प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि आजकल सारे जो लोग हैं गांव को छोड़कर शहर में पदार्पण कर रहे हैं और वो सोच रहे कि हम बहुत सुशिक्षित हो गए हैं, बहुत बुद्धि संपन्न हो गए हैं। तो प्रभुपाद कहते कि ऐसे स्थानों में जाकर लोग करेंगे क्या, कारखानों में बनने वाले जो नट बोल्ट हैं उनको खाकर अपना गुजारा थोड़ी कर सकते हैं, या ये फिल्मी संगीत आदि मूवीज आदि को फिल्मों को देखने से क्या उनका पोषण हो सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि इन सारी बुराइयों का, सारी समस्याओं का समाधान केवल आध्यात्मिकता में है। जब तक ये मनुष्य प्राणी आध्यात्मिक वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा, जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, तब तक वो संसार के पतनमुख प्रभाव से बचेगा नहीं। अभय जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तहार नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार में भारत का तीसरा स्थान था और सारे दिल्ली में सिनेमा के इश्तहार लगे दिखाई पड़ते थे। तो प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे अपने युवावस्था में तो उतना उसका प्रभाव नहीं था, लेकिन अभी इतना अधिक प्रभाव है। प्रभुपाद यदि होते तो देखते कि अभी तो सारे फिल्म व्यक्ति के हाथ में ही आ गए हैं मोबाइल के माध्यम से। अभी बाहर इश्तिहार या जो एडवर्टाइज है वो देखने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें आपको वो छोटे से स्क्रीन में आपके हाथ में लेकर आप चल रहे हो, तो ये कितना बड़ा पतन है वास्तव में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारी चीजें केवल कामुकता को प्रोत्साहन देती है, अन्य किसी चीज के लिए नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो जाता है, कितनी भी अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है, घुमा फिरा के वो आ ही जाता है कामुकता के प्रति। मतलब जितना भी आप प्रोग्रेस करो, जितना भी उन्नत हो जाओ, घुमा फिरा की आज का जो सारा कार्यकलाप है या संस्कृति है आज की, घुमा फिरा की केवल कामुकता का उपभोग करने के प्रति आती है, अन्य कोई विचार शैली नहीं है। तो प्रभुपाद के समय में भारत का मूवी बनाने में तीसरा स्थान था, मुझे लग रहा है अभी पहला हो सकता है। हाँ, तो ये सारी चीजें प्रभुपाद कहते हैं कि दिल्ली के किसी भी सड़कों में गुजरते थे तो सब जगह ये कामुकतापूर्ण जो इश्तिहार है वो लगे होते थे, और युवा वर्ग है, हर कोई उनको देखकर उनके हृदय में कामुकता के भाव जागृत हो जाते थे, और उस कारण से फिर संसार में या समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती थी। गोमांस और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। हाँ, दिल्ली में समाचार पत्रों में सड़कों पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने और चिढ़ाने वाले भारतीय युवकों के पतन पर क्षोभ प्रकट करने वाले संपादकीय बराबर छप रहे थे। हाँ, तो ये सारी चीजें बढ़ रही थी, और वास्तव में इन सभी चीजों का समाधान केवल कृष्ण की शरण में जाना है, क्योंकि इस संसार में जीव जन्म लेता है तो उसके हृदय में ये जो काम की भावना है, काम उपभोग करने का जो भाव है, वो सर्वाधिक होता है। प्रभुपाद कहा करते इस संसार में जन्म लेना है इसका अर्थ है कि हम पापी हैं। जिस व्यक्ति के पास ये शरीर है उसका अर्थ क्या है, वो पापी व्यक्ति है। और दूसरा क्या है कि जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उसके हृदय में इस कामुकता को भोगने का सर्वाधिक भावना है, और जिस काम की पूर्ति करने के लिए वो इस संसार में बस दिन रात कष्ट उठाता है और उन्हीं विचारों में लीन रहता है कि किस प्रकार से मैं इस अपने काम को तृप्त करूं, और कब तक चलता है उसका संघर्ष, जन्म लेने से मृत्यु के अंत तक चलता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियानि
प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने बहुत सरल बता दिया है कि उसका ये संघर्ष चल रहा है मन और इंद्रियों के साथ। क्या करता है मन इंद्रियों के द्वारा? जीव केवल अपनी कामों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगा हुआ है, और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और इस प्रकार से वो पतनमुख हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उन समय उन दिनों में भी गोमांस खाना, शराब पीना, ये दिल्ली में सब जगह सरलता से उपलब्ध हो गया था, और स्त्रियों की छेड़खानी करना, उनका अपमान करना, ये जो उन दिनों के जो युवक थे उनके चरित्र में ये प्रकाशित होता था। तो इसलिए सारा जो संसार है वो केवल पतन की ओर जा रहा था और अन्य कोई कार्य नहीं था। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वास्तव में इस कामुकता पूर्ण संस्कृति का ले एक ही औषधि है, और वो है कृष्ण भक्ति करना, अन्य कोई उपाय नहीं है। जितना व्यक्ति अध्यात्म से दूर जाएगा उतना ही उसके हृदय में इस संसार के भोग करने की जो भावना है अधिक हो जाएगी, मानो वो जल रहा है। शास्त्र कहते हैं ना, कामुक भावना के कारण जीव दिन रात हृदय में जलता है। तो इस संसार में जितना काम हमारे हृदय में है उतना ही कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है। तो भक्ति का अर्थ है ये जो काम पूर्ण भावना है उसको त्याग कर हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भावना को जागृत करना। हाँ, इसलिए काम किसको कहते हैं? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बली काम, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जितने भी प्रयास हैं, जितने भी कार्य हैं, उनको काम कहा गया है। और कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, और जब जीव कृष्ण की प्रीति के लिए सेवा करता है, उनको आनंद देने के लिए मग्न रहता है, तो उसको प्रेम कहा गया है। तो इसलिए भक्ति का मतलब है सदैव इसी भावना में रहना, किस प्रकार से मैं अपने मन, शरीर, वाणी, इंद्रिय आदि से कृष्ण को प्रसन्न करो, कृष्ण की सेवा करो। और ऐसा जीव जब करता रहेगा तो उसके हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो तुरंत ऐसे उजागर हो जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, और कृष्ण कहने मात्र से उसके आंखों से बूंदे गिरने लगती है, प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं केवल कृष्ण कहने मात्र से, क्योंकि वो इतना आनंद अनुभव करता है कृष्ण नाम में। इसलिए रूप गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, ये कृष्ण नाम कितना मधुर है, जिसका उच्चारण करने के लिए मुझे हजार लाखों जीवा चाहिए, और उन जीवा से ये मधुरतम नाम सुनने के लिए मुझे करोड़ों कान दीजिए, फिर भी मैं इसका आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। मतलब इतना अधिक कृष्ण नाम मीठा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो काम है उसको प्रेम में बदलने के लिए ये साधना भक्ति है। जितने भी गुरु ने हमें भगवत भक्ति साधना दी है, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती अटेंड करना है, जप आदि करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, कृष्ण की सेवा करना है, जितने भी कार्यकलाप दिए हैं वो केवल इसलिए है कि वो साधन के द्वारा हम अपने हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करें, उसी के लिए ये सारे हैं। तो यहाँ आगे लिखते हैं, महिलाओं की संस्थाएं फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी, किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या संत प्रशासक नहीं थे जो ऐसी स्थिति के बारे में कुछ करें। तो उन दिनों भी जब ये फिल्में आ रही थे उनमें भी स्त्रियों की जो प्रस्तुति हो रही थी वो अश्लील बर्ताव दिखाए जा रहे थे। तो कहते हैं कि उन दिनों भी कई ऐसी महिलाओं की संस्थाएं थी जो इस पर आपत्ति जताती थी और प्रतिवाद करती थी, विरोध करती थी, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रशासक थे, राजनेता आदि थे, वो ब्राह्मण या संत नहीं थे, भक्त नहीं थे, इसी कारण से इन चीजों में बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जितने भी राजनेता आदि हैं ये सब वैष्णव होने चाहिए,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, जब सुप्रीम कोर्ट का जज तिलक लगाकर कंठी माना पहनकर वहां बैठेगा तो धीरे धीरे सारी चीजों में बदलाव आना शुरू होगा। क्योंकि आज के राजनेता केवल नाम के हैं, हाँ, तो राजनेता प्रभुपाद कहते हैं राजर्षि होने चाहिए, जो राजा होकर भी ऋषि जैसा आचरण होना चाहिए। जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, महाराज अम्बरीश हैं, श्रील प्रभुपाद को कहा गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप स्वीकार करेंगे उस पद को? प्रभुपाद कहते नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर का गुरु बनना चाहूंगा, हाँ वो नहीं बनना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि उसको मार्गदर्शन करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे कि उच्च स्थानों में संत व्यक्ति होने चाहिए, साधु स्वभाव के व्यक्तित्व होने चाहिए समाज में, तभी सब में बदलाव आ सकता है। अभय को समाज के पुनः आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहा था। तो प्रभुपाद के हृदय में यही था कि पूरे समाज को मुझे बदलना है, उनको आध्यात्मिकरण उसका करना है। लेकिन प्रभुपाद देख रहे थे कि सारा जो संसार है विपरीत दिशा में जा रहा है, और मानो आज के जो भक्त लोग प्रयास कर रहे प्रचार करने का, साधना सेवा करने का, वो बहुत मतलब सत्ययुगा के बड़े बड़े ब्रह्मर्षि आदि से भी महान है। हाँ, क्योंकि उन दिनों इतना प्रलोभन, इतना भौतिक आकर्षण आदि नहीं था, भौतिक प्रभाव नहीं था। आज हर क्षण में भौतिक प्रभाव हम अनुभव करते, प्रलोभनों को अनुभव करते हैं। तो क्योंकि सारा समाज आध्यात्म के विपरीत दिशा में जा रहा है, कली की वृद्धि हो रही है। हाँ, जैसे आजकल जो लोग आते हैं वृंदावन, उनको पूछो वृंदा का मतलब क्या है तो भी पता नहीं है, वो आ रहे हैं केवल रील बनाने के लिए, हाँ मतलब फोटोज निकालने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए, अन्य कोई औचित्य नहीं है उनके आने का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारा समाज विपरीत दिशा में जा रहा है। फरवरी में ठीक उसी समय जब अभय बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा संकट के बारे में बोलते समय तत्पर औद्योगिकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तक सभी रोग सूचक समस्याओं से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वास्तविक समस्या भगवत चेतना का अभाव थी। तो प्रभुपाद जानते थे कि संसार में जितने भी समस्याएं हैं, साधारण व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक उसको समस्या के समाधान क्या है उसकी जानकारी नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने बैक टू गॉडहेड में कि केवल सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, और वो है भगवत चेतना की वृद्धि होना। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, सारी आवश्यक चीजें विद्यमान है। इस संसार में किसी चीज की कमी है तो वो केवल कृष्ण भावना की कमी है, और उसकी पूर्ति के लिए मानो श्रील प्रभुपाद ने यह आंदोलन छेड़ा है। इसलिए आप देखिए ना, जब प्रभुपाद लंदन की एयरपोर्ट में उतरे यूके में, तो प्रभुपाद के पास रिपोर्टर्स आए और पूछा, स्वामी जी आप यहां क्यों आए हो? तो प्रभुपाद ने कहा, आप अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज्य किया 200 वर्ष से अधिक, और सारी मूल्यवान चीजें ले गए, लेकिन फिर भी एक जो बहुमूल्य चीज है उसकी डिलीवरी देने के लिए मैं आया हूं, और वो है भगवत गीता की शिक्षा या कृष्ण चेतना देने आया हूं। जिस चेतना का आपके पास अभाव है, पूरे विश्व को लूटकर आपने सारा धन संचय किया है लंदन में, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी है, और वो है कृष्ण चेतना, वो देने के लिए आया हूं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज भी वही कहा करते थे कि भगवत चेतना का अभाव है, और उसी चेतना को जागृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये भगवान नाम प्रदान किया है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे,
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये जो कृष्ण चेतना हर एक व्यक्ति के हृदय में है, लेकिन अभी वो ढकी हुई है। जिस प्रकार से जो केला है वो ढका होता है आवरण से, छिलके से, उस छिलके को निकालोगे तो आपको केला प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेमा भाव है वो अभी ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? अज्ञानता के कारण, और दूसरा इस संसार को भोग करने की भावना के कारण। इन दो चीजों के कारण ढका हुआ है। बस उस आवरण को हटाना है तो ये कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। इसलिए जो भक्त अत्यधिक गंभीर होता है उसको ये जो साधन भजन दिया है श्रील प्रभुपाद के द्वारा या पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, वो यदि गंभीरता से करता रहता है जीवन के अंत तक, हाँ, लालसा के साथ, हाँ, और तीव्रता के साथ, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव है या प्रवाह है वो जागृत हो जाता है। वो अनुभव करेगा उस तीव्र प्रभाव को। अभय को कलयुग के रोगों का उपचार करना था। वे जानते थे कि ये कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो वे अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गॉडेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। कितना कठिन हो रहा था, 4 पेज उनको पब्लिश करना, इतना दुसाध्य हो गया था श्रील प्रभुपाद को। और इतना कठिनाई से उनका जीवन गुजरा था दिल्ली में। उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं था, पहने के लिए ठीक ठाक कपड़े वस्त्र नहीं थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और उनमें भी उनके अंदर वो ज्वाला थी कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है, आपके पास धन आता है तो ग्रंथों का प्रकाशन करो। उसके लिए वो लगे हुए थे। और वो जानते थे कि कलियुगा के जीवों का कल्याण हो सकता है तो केवल कृष्ण चेतना के द्वारा, कृष्ण भक्ति के द्वारा, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये एकमेव ऐसे आचार्य है जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अपना सीना तानते हुए बोला है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये ऐसा किसी ने इतनी जय घोष नहीं किया है, किसी ने इतनी बड़ी घोषणा नहीं की है। और प्रभुपाद ने सारे विश्व के सामने ये स्थापित किया, कृष्ण ही परम भगवान है, और शास्त्रों के माध्यम से उसको स्थापित किया और हजारों लोगों को उन कृष्ण के प्रति शरणागत होने के लिए प्रेरित किया। लेख लिखना, उनको टाइप करना, मुद्रक के पास ले जाना और फिर उनका वितरण करना अकेले एक निरुपाय निर्धन भक्त का कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अभय को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। तो ये साधारण कार्य नहीं था, ये बहुत कठिन था कि खुद ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फिर उसको टाइप कर रहे हैं। प्रभुपाद की हमेशा अपने साथ टाइप राइटर रखा कर, अभी तो दिखता ही नहीं है, पुराने दिनों में वो टाइप राइटर होता था, हाँ, जो प्रभुपाद उस पर टाइप किया करते थे, लिखते थे, मुद्रक के पास जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस में कागज खरीदते थे, वो लाके उसको देते थे, छपाई करते थे, उसका वितरण करते थे, थोड़ा बहुत जो धन आता है उससे और अगला जो बैक टू गार्डन पत्रिका है उसको प्रिंट करने का प्रयास करते थे। तो ये अकेला ऐसा कार्य निर्धन जो भक्त हैं वो कर रहे थे। प्रभुपाद ने देखा कि उनको भी अपने जो अन्य गुरु भाई थे उनसे कुछ सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, और वो लोग भी संगठित होकर प्रचार में नहीं लगे थे, क्योंकि कलियुगा में केवल शक्ति है संगठन में, संघ में। जितने एकत्र आएंगे उन लोगों की विजय है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो कलियुगा में। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफल होना है तो भक्तों को एकत्रित आकर भगवत सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने एकाकी मार्ग नहीं दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? संकीर्तन, महाप्रभु ने शुरुआत में ही। इसलिए किसी भी कोई भी समाज आगे बढ़ता है जब वो एकत्रित आकर किसी कार्य को करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने देखा कि उनके जितने गुरु भाई थे वो प्रचार करने के लिए संगठित नहीं हो रहे थे,
और दूसरा प्रचार करने की इच्छा शक्ति भी उनमें नहीं थी। इससे प्रभुपाद जी को दुख हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाह रहे थे कि जगत के कोने कोने में ये कृष्ण भक्ति जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन दिनों अपने दो शिष्यों को विदेश भेजा था, लेकिन वह असफल रहे, वापस आ गए। तो वो चाहते थे कि एक साथ मिलकर प्रचार करें, इसलिए उन्होंने प्रचार संपन्न होने के लिए गौड़िया मठ की स्थापना की थी। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने फिर इस्कॉन आंदोलन की स्थापना की थी। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी सज्जन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे और उनका मठ अन्य ऐसे मठों की तरह ही नई सदस्यों को आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि उनके जितने गुरु भाई थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के, इतने बड़े बड़े शिष्यगण, लेकिन सारे अलग हो गए। सबने अपना अपना मठ या मंदिर बनाया, अपने थोड़े शिष्यों के साथ वो रहने लगे, लेकिन लोगों को कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित करने में वो सफलता नहीं प्राप्त कर सके, असमर्थ हो गए। तो ये उचित नहीं लगा प्रभुपाद को। ऐसे छोटेपन से प्रचार को पंगु होना ही था, इसलिए वे अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे। अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य में प्रसन्न ये जानते हुए कि उनका चार पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान है। मरुस्थल में एक बूंद पानी की क्या क्या वैल्यू है। हाँ, तो ये मानो प्रभुपाद जी का जो प्रयास है वो उसी के समान था, लेकिन फिर भी हाँ वो बहुत बड़ी आशा थी मरुस्थल में। जनवरी 1956 में जब अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था, जब क्रुश्चेव और आइजनहावर हथियारों की दौड़ पर खुलकर खेत प्रकट कर रहे थे और परमाणवीय निशस्त्रीकरण वार्ताओं में अपने दांव पेच में लगे थे, और जब ईरान के शाह दिल्ली की यात्रा पर आए थे, अभय बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने के प्रयत्न में लगे थे। तो ये लिखा है कि उन दिनों ये बाहर हो रहा था सामाजिक उथल पुथल, तो उस समय प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने में लगे थे। जाड़े की असुविधाओं को झेलते वे तड़के दिल्ली के सड़कों में से होते हुए आखिरी प्रूफ पढ़ने के लिए सुरेंद्र कुमार जैन मुद्र के पास पहुंच जाते हैं। प्रभुपाद जी, आप दिल्ली जाते हैं तो जरूर उस स्थान में जाइए जहां प्रभुपाद रहा करते थे। लाल किले के आगे ही इंडिया, लाल किले के आगे ही छिपीवाड़ा है जहां एक पुरातन मंदिर हुआ करता था, जो अभी इस्कॉन दिल्ली को प्राप्त हुआ है, और वहां इस्कॉन के भक्त लोग रहते हैं। उसका सुंदरतम रेनोवेशन हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद का जिस कमरे में रहा करते थे उन दिनों, वो स्थान भी अभी वहां है। और जब इस्कॉन डिवोटीज वहां गए, वो वैसे ही पड़ा था इतने 30-40 सालों से। गए तो वहां एक बक्सा मिला, उसमें श्रील प्रभुपाद के पुराने जो पेपर्स थे वो सारे ऐसे धूल खाते हुए पड़े हुए मिले। वो आज भी भक्तों ने ठीक ठाक करके रखे हैं। तो प्रभुपाद वहां रहा करते थे, इतनी भीड़ वाला स्थान है, वहां चलना भी मुश्किल है। प्रभुपाद जी वहां कागज लेकर उठाकर चलते थे, और बारंबार वहां जो एक मुद्रक था प्रिंटिंग प्रेस, वहां जाते थे प्रूफ पढ़ने के लिए छपाई होने से पहले। तो कहते हैं कि इतनी ठंडी के दिन थे, ठंड के दिन थे तो भी श्रील प्रभुपाद को कोई बाधा नहीं थी। पैसे बचाने के लिए वे पैदल चलते, केवल जब वे कागज के व्यापारी से कागज मुद्रक को देने जाते तब किराए पर रिक्शा लेते। उनके पास चादर नहीं थी, केवल हल्की फुल्की सूती जैकेट थी, और वे रबर के जूते पहनते थे। वे एक सूती कान टोप धारण करते थे जिसे वे अपनी ठोड़ी के नीचे बांध लेते थे। प्रभुपाद का वो स्वामी हैट जो क्या है टोपी, वो आपने देखी होगी, यहाँ बांधा करते थे, ऐसे पूरा ढक जाता था उनका जो सर है। तो वे एक सूती कंटोप धारण करते जिसे वे अपने ठोड़ी के नीचे बांध लेते थे, जिससे उनके कान ढक जाते थे, और जाड़े की 40 डिग्री ठंडक से शीतकालीन प्रात को कभी कभी तेज चलने वाली जोरदार हवा के झोंकों से उनकी रक्षा होती थी।
तो श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थिति में दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन फिर भी जितनी भी बाधाएं उनके समक्ष आए, उनके अंदर जो उत्साह था कृष्ण की सेवा करने का या गुरु की आदेशों को पूर्ण करने के लिए जो निष्ठा थी, उसमें कोई कमी नहीं आई। वो जो मुद्रक है, प्रिंटिंग प्रेस के जो ओनर थे वहाँ, जिनका नाम है कुमार, रविंद्र कुमार जैन, वो अभी यहाँ बोलते हैं, मेरे मन में पहली धारणा ये हुई कि वे बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। तो वो रविंद्र जैन कहते हैं, सत्येंद्र जैन कहते हैं कि मैंने जब पहली बार इस व्यक्ति को देखा तो देखते ही लगा कि ये बहुत सरल और सच्चे व्यक्ति हैं। जिस हालत में वे मेरे पास आते उससे उन पर मुझे दया भी आ जाती। मुझे मालूम था कि उनके पास 25 पैसे भी न होते, सारा रास्ता पैदल चलकर वे मेरे यहाँ आते बिना कुछ खाए पिए। वो कहते हैं कि उनके हृदय में इतनी ये सेवा करने की भावना थी इस ग्रंथ को या मैगजीन को छापने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, कि जब वो मेरे पास आते उनकी उस दयनीय स्थिति को देखकर मुझे दया आ जाती। उनके वस्त्रों को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, और लगते थे कि इतने दूर से पैदल पैदल आ रहे हैं और बिना खाए पिए, वहाँ झलकता था उनके चेहरे पर। वे सवेरे प्रेस पहुँचते तो मुझे मैं पूछता, स्वामी जी क्या आज सवेरे आपने कुछ खाया था? वे कहते, नहीं नहीं श्रीमान जैन, प्रूफ देखने थे इसलिए मैं आ गया। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई कुकिंग करने वाला था, हाँ ब्रेकफास्ट देने वाला था, उनका कोई सेवक था, नहीं। वो अकेले वीरान दिल्ली में केवल प्रचार करना है, मुझे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसी भावना के लिए, वो पूर्ति के लिए वो जीवित थे। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी सुबह सुबह पहुंच जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, मेरे ऑफिस में, और उनको देख के मुझे लगता था, मैं पूछता था कि आपने कुछ खाया है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं तो देखने आया हूँ प्रूफ। मैं कहता, ठीक है मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। मैं नाश्ता मंगवाता और तब ये बैठते और काम में लग जाते। तो जो भी मिले प्रभुपाद जी थोड़ा ग्रहण करते और अपना जो कार्य है उसमें निष्ठावान थे। तो ये प्रभुपाद का ये दृढ़ निश्चयी जो स्वभाव है, या कृष्ण की सेवा के लिए भजते माम दृढ़ व्रता, जिसको बोला गया है ना भगवत गीता में, कृष्ण कहते हैं वो जो भक्त है वो महात्मा, महात्मा का ये लक्षण है कि कितने भी विपरीत स्थितियां क्यों ना हो, फिर भी मेरी सेवा के लिए वो निष्ठावान और दृढ़वान होता है। हमें भी श्रील प्रभुपाद के इस उदाहरण से सीखना चाहिए, हाँ, कि हमारे जीवन में तो इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं तो नहीं आती हैं, हाँ, या और इतना प्रचार कार्य में ऐसा कष्ट तो है नहीं, हाँ, हमें जाना होता है तो गाड़ी होती है, सुविधाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं कि कितने दृढ़ निश्चयी हुए। तो हमें भी ये भाव रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद के जो चरण हैं उसको छोड़ना नहीं है। मृत्यु के अंत तक इस आंदोलन की किसी ना किसी प्रकार से मुझे सेवा करनी है, मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं करनी है। प्रहलाद महाराज के हम फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं। प्रहलाद महाराज कहते कि हे नरसिम्ह देव, मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं है, मैं तो ये कला सीखा हूं, तब नाम गान, आपके नाम गुण महिमा का गान करने की कला मैंने सीखी है, मुझे तो उन पतित जीवों की चिंता है जो इस संसार में भोग करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक जो शुद्ध भक्त होता है वो, उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं होती, वो केवल कृष्ण की सेवा में रत रहना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बस केवल कृष्ण की सेवा में डूबना चाहता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम आदि में, और उसी के द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसी निष्ठा और दृढ़ता को व्यक्त करता है, कृष्ण उसको अपना लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, हर क्षण में उन्होंने अपने जीवा से नाम को छोड़ा नहीं तो भगवान उन खंभे से उनके लिए प्रकट होते हैं। हाँ, हरिदास ठाकुर
हर परिस्थिति में जीवा पर नाम को धारण किया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन प्रसाद लेकर उनके पास पहुंचते थे जगन्नाथपुरी में, और अंत समय में महाप्रभु स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गए, और जिनको देखकर हरिदास ठाकुर ने अपने प्राण या शरीर को त्यागा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भक्त भगवत सेवा के प्रति और गुरु की सेवा के प्रति दृढ़ निश्चयी होता है, निष्ठावान होता है, हाँ, तो उसके जीवन में सफलता निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, प्रतिदिन 16 मालाओं का जप करना, 4 नियमों का पालन करना और ग्रंथों का अध्ययन करना, भक्तों के माध्यम से जो भी सेवा प्राप्त होती है उसको हम निष्ठा के साथ करते रहेंगे तो भगवत धाम जाना निश्चित है, हाँ, केवल ये करने मात्र से। इसलिए कहते हैं कि एक महान वैष्णव के वचनों का जब हम पालन करते हैं ना, तो कृष्ण पूरी हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरे प्रिय भक्त के वचनों का पालन कर रहा है, हाँ, तो कृष्ण पूरी जिम्मेदारी लेते हैं उसको अपने धाम ले जाने के लिए। तो प्रभुपाद का जीवन, हाँ, ये हमारे बिल्कुल नजदीक का जीवन है। ऐसे नहीं कि कोई पुराणों के महान किसी भक्त की चर्चा को हम देखें, ये तो हमारे समकालीन, हमारे अभी कुछ साल पहले ही प्रभुपाद ने अपने जीवन में आचरण करके प्रकट कराया है। प्रूफ पढ़ने का काम वे स्वयं करते, मुद्रण मेरे द्वारा होता और अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक प्रेस में मौजूद रहना उन्हें बहुत पसंद था। हाँ, प्रभुपाद कहा करते थे, जब कोई किताब प्रिंट होकर आती है तो ऐसे लगता है कि मैंने किसी बड़े कार्य को या किसी देश को जीत लिया है, पूरे संसार को जीत लिया है मानो। और वैसे ही है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ साधारण नहीं है, ये किसी जीव के हाथ में जाते हैं तो उसके हृदय में क्रांति आ जाती है। तो कल मैं एक लीला पढ़ रहा था पुस्तक वितरण की, तो उसमें आ रहा था कि प्रभुपाद के समय में एक माताजी पुस्तक वितरण का कार्य कर रहे थे, तो जब एक व्यक्ति मिला और उसको कहा कि ये ग्रंथ ले लो, तो उन्होंने कहा, बहुत प्रचार किया उनको बोला, तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसके हाथ शायद किसी कार्य में बिजी होंगे, तो उन्होंने कहा, मेरा जो पॉकेट है ना, जेब में जो मनी पर्स है उसमें से पैसे निकालो आप ले लो, और उसके बदले में मुझे किताबें दे दो। तो उस माताजी ने उनका मनी पर्स जो निकाला और उसमें से जितने पैसे थे अंदर सारे ले लिए और उनको सारी किताबें प्रभुपाद की दी। तो ये जब पैसे निकाल रहे थे उसके जेब से मनी पर्स, तो एक पुलिस ने देखा, वो पुलिस दौड़कर आया, कहता है, क्या कर रही हो तुम, हाँ, ये पैसे चुरा रही हो क्या? तो उस व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हाँ, ये मुझसे ले रही है। तो वो कहता है कि थोड़ा मुझे ट्रेन से घर वापस जाने के लिए थोड़े से पैसे रखो, सारे तुमने ले लिए है तो थोड़ा सा रखती है। और आगे चलकर वो व्यक्ति घर जाता है और प्रभुपाद के उन ग्रंथों को पढ़ता है और वो महान भक्त बनता है। आज भी वो इस्कॉन के सन्यासी है, उनका नाम है चंद्रमौली स्वामी, और वो माताजी हैं दैवी शक्ति माताजी। हाँ, उन्होंने इस प्रकार से प्रचार कार्य किया है। तो कहने का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो जीव के हृदय में क्रांति लाने वाले हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम भक्ति में 10, 15, 20 साल होने के बाद थोड़े ठंडे हो जाते हैं, ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हमारे हृदय में भी बार बार क्रांति की आवश्यकता है, हाँ, फिर से दृढ़ निश्चय होने के लिए। तो हमें बारंबार प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, बल्कि प्रतिदिन चाहे कम से कम 1 या 2 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए, नहीं तो कम से कम एक भी दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए प्रभुपाद की संगति के बिना। आप एक लाइन, एक पैराग्राफ भी पढ़ते हैं तो आप प्रभुपाद जैसे महानतम वैष्णव का संग में हो, उनकी संगति में हो, उन शब्दों का, एक पैराग्राफ का प्रभाव भी आप अनुभव करेंगे कि कितना तुरंत शुद्ध सत्व की वृद्धि आपके हृदय में आप अनुभव करेंगे, बहुत शुद्धता आप अनुभव करेंगे प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से, और भगवान के प्रति जो शरणागति का भावना है वो उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो,
श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ चाहे में 10, 20, 30, 40, 50 साल भी हो जाए तो भी प्रतिदिन प्रभुपाद का चाहे भगवद गीता, कृष्णा भोग, भक्ति रसामृत सिंधु, जो भी प्रभुपाद के ग्रंथ है, भागवत, चैतन्य चरितामृत, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना चाहिए। जितना टाइम हो तो फिर अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद रुके रहते थे पूरे दिन उस प्रिंटिंग प्रेस में, उस प्रूफ को देखने के लिए कि वो छप रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि ये कागज साधारण नहीं है, ये किसी जीव के हाथ में जाएगा तो उसके हृदय में कृष्ण के लिए सेवा का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए हजारों उदाहरण हमारे आंदोलन में है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से हजारों भक्तों ने अपना जीवन कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित किया, और यही प्रभुपाद के ग्रंथों की विशेषता है। एक विशेषता है कि जीव तुरंत कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, और दूसरा तुरंत कृष्ण की सेवा में लग जाता है, और तीसरी चीज कृष्ण की सेवा का माध्यम नाम संकीर्तन को सरलता से अपने जीवन में लागू करता है। ये प्रभुपाद के ग्रंथों की विशेषता है। ये रोज की बात थी कि वे बिना नाश्ता किए आते और मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करता, और हम घंटों मेज पर आमने सामने बैठते। तो प्रभुपाद जी का ये प्रतिदिन था वहां, हाँ, दिल्ली में रह रहे थे, वो अपनी किताबें छापने के लिए, वो बैक टू गॉड छापने के लिए जाते थे और ये देखा करते थे। वे हमेशा केवल धार्मिक मामलों पर ही बात करते, लेकिन जब हम विशेषकर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते तो हम अनेक चीजों के बारे में विचार विमर्श करने लगते। तो ये एक वैष्णव का एक प्रमुख गुण है कि कृष्ण के बारे में ही चर्चा करता है। हाँ, ये विशेष गुण कहा गया है। हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हमारी आसक्ति किस चीज में है, वो अनुभव करनी है तो ये देखना होगा कि मैं कौन से विषय के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, कौन से व्यक्ति के बारे में, कौन से स्थान के बारे में। तो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा हम बातें करते हैं, समझना है कि मेरी आसक्ति उस व्यक्ति में, स्थान में, वस्तु आदि में है। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो गुण था, पिछले कई जो चर्चाएं हुई उनमें भी ये आया था। कई लोगों ने ये देखा था कि स्वामी जी, ये जो प्रभुपाद जी हैं, इनको जब भी मिलते थे वो हमेशा कृष्ण से संबंधित, भगवान नाम आदि से संबंधित चर्चा करते थे, किसी अन्य विषयों पर वो कभी वार्तालाप नहीं किया करते थे। मुझे लगता कि वे बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि वे बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपनी चीजों को छपाने आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वे मित्र अधिक थे। वे बहुत सीधे साधे आदमी थे, उनकी आदतें सरल थी, लेकिन उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गॉडहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था। तो वो कह रहे थे कि उनसे जब बात करता था तो पता चलता था कि बहुत अधिक विषयों के बारे में वो जानते हैं, बहुत अधिक वो ज्ञान धारण किए हुए हैं। इसलिए हम देखेंगे प्रभुपाद के जब आप तात्पर्य पढ़ते हैं, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि, या उनके वार्तालाप आदि को जब सुनते हैं, तो पता चलता है कि प्रभुपाद कहाँ कहाँ से उद्धृत कर रहे हैं चीज़ों को, और कितने विषयों के बारे में सटीक जानकारी अपने ग्रंथों में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये असाधारण व्यक्तित्व है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, ये मैंने नहीं लिखा है, हाँ, ये साक्षात किसने लिखवाया है, कृष्ण ने लिखवाया है। वही चीज कृष्णदास कविराज ने भी कही, हाँ, कि मदन मोहन लिखाई ते मोरे। ये चैतन्य चरितामृत जो मैंने लिखा है, ये मदन मोहन जी ने लिखाया है साक्षात। हाँ, तो उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक ज्ञान रखते थे सभी विषयों का, और वो कहते हैं कि उनका एक ही मिशन था कि बैक टू गॉडहेड पत्रिका को बढ़ावा देना, वो सब लोगों तक पहुंचना चाहते थे। उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी, कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती क्योंकि वे कागज का प्रबंध न कर पाते। उन दिनों आपको खुद ही कागज लेकर, आपको कुछ किताब छापनी है तो अपना कागज खरीद के, ढूंढ के लेके जाना पड़ता था प्रिंटिंग प्रेस में, फिर छापो। तो वो कहते हैं, यहाँ सुरेंद्रनाथ जैन कहते हैं, उनका वीडियो भी है, ये जो यहाँ उनकी इंटरव्यू का जो पार्ट दिया है
उनका वीडियो भी है एक, वो बताते हैं अपने प्रभुपाद जी के बारे में ये चीजें जो यहाँ उन्होंने यहाँ लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा थी बहुत खराब थी और बहुत मुश्किल से वो कागज खरीद पाते थे। कई बार मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कठिनाई हो रही हो तो आप पत्र जारी क्यों रख रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर था नहीं, ये मेरा मिशन है और जहां तक मुझसे होगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। तो कभी कभी वो सुरेंद्रनाथ जैन कहते थे, अरे स्वामी जी आप अभी बूढ़े हो गए हो, आपके पास धन आदि की व्यवस्था नहीं, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नहीं, ये मेरा मिशन है, ये मेरे मानो गुरु ने दिया हुआ मेरा ये मिशन आंदोलन है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जन जन तक पहुंचाना है। तो कहते जब तक मेरे शरीर में शक्ति सामर्थ्य है, जब तक मुझसे ये कार्य होगा तब तक मैं करता रहूंगा। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वे सचमुच निर्धन थे। सुरेंद्र जैन कहते हैं कि वो वास्तव में निर्धन थे, लेकिन उनमें इतना जोश था इस उनके वो बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंध उन्हें करना था, इसलिए कभी कभी विलंब हो जाता। यद्यपि मेरा काम केवल छापना था, कभी कभी मैं उनसे कहता, अच्छा यदि आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं आपको कागज दूंगा, किंतु आमतौर पर कागज की व्यवस्था वे स्वयं करते, क्योंकि हमारा काम केवल छपाई करना था, वे कागज रिक्शे में लाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी स्वयं ही कागज उठाकर ले आते थे प्रिंटिंग के लिए। हमारा साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक न होता तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। वे उत्तर देते, चिंता न करें, विश्वास रखिए कि आपके पैसे पहुंचने ही वाले ही हैं। मैं कभी ना पूछता कि उन्हें पैसे कहां से मिलते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि ये उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे न चुका पाते तो वे उलझन में पड़ जाते, इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी नहीं करता। ये भी जानते थे कि इतनी निस्वार्थ भावना से कृष्ण की सेवा कर रहा है जो व्यक्ति अपने खाने पीने की चिंता नहीं कर रहा है, और इनका हृदय भी पिघल ही गया था। सुरेंद्रनाथ जो जैन थे तो वो कह रहे थे कि मैं उनको कष्ट में नहीं डालना चाह रहा था। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं है तो वे पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वे उस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बहुत अधिक निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ प्रयास कर रहे थे भगवत दर्शन जो पत्रिका है उसका मुद्रण करने के लिए। बिना खाए पिए सब प्रकार का कष्ट उठाकर अपने आध्यात्मिक गुरु की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए अपना जीवन उन्होंने लगाया था। वे गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे, वे इसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे, और उनका विचार था कि केवल उसके माध्यम से ही संसार के लोग शांति पा सकते हैं। उनका ये विश्वास बहुत दृढ़ था। तो वो कहते हैं मिस्टर जैन कि ये जो प्रभुपाद जी थे उनके हृदय में भगवद गीता की शिक्षाओं को पूरे समाज तक पहुंचाने के लिए वो तत्पर थे, और वो चाहते थे कि ये जो गीता की शिक्षाएं हैं उसको मैं पहुंचाऊं सब लोगों तक। उसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए, जिस आंदोलन के माध्यम से, जिस संघ के माध्यम से मैं वो प्रचार प्रसार का कार्य करूं। और उसके लिए वो लिखते हैं या कहते हैं कि वो जानते थे कि सारे संसार के लोगों को शांति प्राप्त करनी है तो केवल भगवद गीता का आश्रय लेने मात्र से ही संभव है। इसलिए वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब मुझसे चर्चा करते थे तो उनका ये दृढ़ विश्वास उनके वाणी से झलकता था, प्रकट होता था कि सारी समस्याओं का, सामाजिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भगवद गीता की शिक्षाओं में है।
यदि हर प्रकार का व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को स्वीकार करता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग के जो लोग हैं अपने जीवन में शांति का या परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के बारे में ये सुरेंद्रनाथ जैन अपना मनोगत व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक दृढ़ निश्चय थे अपने आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की सेवा के प्रति। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा को हम विराम देते हैं। अगले रविवार को आप आगे फिर से श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।